नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टेक चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको एट्रिक 90 टैबलेट के बारे में जानकारी देंगे। इस वीडियो में जानेंगे कि इस टैबलेट का इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसके डोज के बारे में, इसकी मार्केट प्राइस, कंटेंट, साइड इफेक्ट, इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको एट्रिक 90 टैबलेट के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल सके। तो आइए जान लेते हैं इसके मार्केट प्राइस के बारे में। तो एट्रिक 90 टैबलेट के मार्केट प्राइस की बात करें तो 143 रुपये इसकी मार्केट प्राइस है और 10 टैबलेट का एक स्ट्रिप आता है। और इसके कंपनी की बात करें तो इसको एलेम्बिक कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, तो बहुत ही मशहूर कंपनी है, आपको हर एक मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं इसके कंटेंट के बारे में, इसमें क्या मिलाया गया है। तो इसमें इटोरी कोकजीब होता है जो कि प्रत्येक टैबलेट में 90 mg होता है। तो आइए जानते हैं इसके यूजेस के बारे में, इस टैबलेट का इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है। तो यह NSAID ग्रुप की दवा है जिसको नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग कहा जाता है। तो इसका इस्तेमाल दर्द और सूजन को ठीक करने के लिए किया जाता है। किसी भी प्रकार का दर्द हो, जैसे कि कमर दर्द, घुटनों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, हड्डियों में होने वाला दर्द या हड्डियों के जोड़ों में होने वाला दर्द, कंधों में होने वाला दर्द या गर्दन में होने वाला दर्द, तो इन सब को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही बेहतरीन ये टैबलेट है और बहुत ही जल्द आराम देता है। इसके अलावा चोट लग गई हो या मोच आ गया हो या मांसपेशियों में खिंचाव आ गया हो, तो इन सबको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इस टैबलेट का इस्तेमाल गठिया की समस्या को भी ठीक करने के लिए किया जाता है। बहुत ही जल्द आराम देता है गठिया में। इसके अलावा इस टैबलेट का इस्तेमाल साइटिका की दर्द को भी ठीक करने के लिए किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं इसके डोज के बारे में, इसको कैसे इस्तेमाल करना होता है। तो इस टैबलेट को एक एडल्ट व्यक्ति दिन में एक बार खाना खाने के बाद ले सकते हैं। इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर ले लेना चाहिए, तभी इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि डोज जो है एज और वेट के हिसाब से अलग अलग होता है और कितने दिन तक इस्तेमाल करना है ये समस्या के ऊपर निर्भर करता है। तो इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लेना चाहिए। और आइए जान लेते हैं एट्रिक 90 टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि जिमस लाना, उल्टी होना, पेट में दर्द होना, पेट में गैस बनना, इसके अलावा दस्त की समस्या और कब्ज़ की समस्या हो सकती है, और इसमें मौजूद कंटेंट से अगर किसी को एलर्जी है तो एलर्जी प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि शरीर में खुजली होना, दाने निकलना। तो ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि किसी किसी को हो सकते हैं, सबको नहीं होते हैं। प्रेग्नेंट वुमेंस और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और जिन लोगों को लीवर या किडनी से संबंधित समस्या है उन्हें भी इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की जानकारी एट्रिक 90 टैबलेट के बारे में। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।